अभी पियेंगे चाय और जो हमारी लोग जय महाकाल और सारे भगत दिल मिलने का जय भोलेनाथ भाई जय भोलेनाथ। लो भाई सारे सब शिव करता सन। लो भाई जय भोलेनाथ हर हर महादेव। आज है 40वां दिन और चल पड़े हैं भाई। देखो पहाड़ी पे थे हम यहाँ पे आश्रम में 40वें दिन भाई। जय भोलेनाथ। लो भाई ये आश्रम था। ये बापू जी है पहले, ये बापू जी जो है ना। हाँ जी ये थे जो ब्रह्मलीन हुए हैं। हाँ। ये है भाई देखो आपका एड्रेस, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी आश्रम सदगुरु धाम अंबाड़ी प्रकल्प तेलवाड़ी, तेलवाड़ी तहसील है क्या? कन्नड़ तहसील है। हाँ तो कन्नड़ तहसील है, तेलवाड़ी छोटा जिला, ये संभाजी नगर, मतलब पहले जिसको औरंगाबाद बोलते थे अब ये संभाजी नगर हो चुका है भाई। जय भोलेनाथ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। वो पहाड़ी के ऊपर आश्रम है भाई। इस रोड से 40 गांव से इस रोड से आते हैं, फिर ये जे इनके पास रुके थे जी। जय भोलेनाथ जी। अब चलेंगे भाई, सुबह का टाइम हो चुका है, 5:45 हो गया। अभी तक देखो कितना अंधेरा है भाई, दिनों में बहुत ज़्यादा फर्क आया है भाई अभी। जय भोलेनाथ हर हर महादेव भाई। आज हमारी कावड़ यात्रा का 40वां दिन भाई, और अभी 2-2.5 किलोमीटर निकालते ही अब चाय के लिए रुके हैं भाई। चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे आगे भाई। अभी टाइम 10:05 आगे है, तो 6 ही बजे हैं भाई लगभग, 6:05, 2-3 किलोमीटर निकाल के आ चुके हैं भाई। तो चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे के लिए, चाय का वेट है भाई। हाँ भाई तरो ताज़ा चाय पी के ताज़ा बनवाए के और अब चले हैं भाई। सुबह की एनर्जी मतलब एक अलग ही जोश होता है भाई। आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकलेगी भाई, आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मौसम अच्छा है भाई। तो चलते चलो भोले का नाम लेके, जय भोले कन्नड़ है जो यहाँ से चल रहे हैं भाई। आज हमारा जो स्टे है लगभग करेंगे 57 किलोमीटर है भाई, हमारी जो लोकेशन थी वहाँ आगे लोकेशन तक भाई। तो 57 किलोमीटर आज निकालना है, तो चलो चलते रहिए। जय भोलेनाथ। ये तूर की फसल है भाई, तूर हमने पूछा था, ये नहीं पता तूर होता क्या है भाई, तूर की फसल है ये पता है, आगे बाजरा है भाई। देखो भाई अलग अलग तरह के, कोई फूलों की फसल है, कोई किसी चीज़ की, कोई मक्का की। अब इतनी हरियाली है भाई, इतने पेड़ है, मौसम सुबह का बस देखने ही लायक है भाई। यहाँ चल रहा हूँ ये फील समझ सकता हूँ खुद ही भाई, चिड़ियों की बोलने की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल शांत भाई। ये हाईवे है जो ऊपर से निकल गया, मैं पुल के नीचे से आया हूँ। वो देखो गेंदे के फूल है भाई, बहुत सारे फूल। अच्छा है भाई महाराष्ट्र में। ले भाई हमारी चाय, ये जो शाम को मिले थे सुबह आ चुके हैं कि कह रहे थे चाय पिलाएंगे सुबह सुबह, तो चाय के लिए पहुंच चुके हैं हमारे पास। 3-4 किलोमीटर बाइक चला के फिर हमारे पास पहुंचे भाई। अभी पियेंगे चाय और जो हमारी लोकेशन है वो रहेगी लगभग 49 किलोमीटर, 49 भाई किलोमीटर निकाल दिए हमने, 9 किलोमीटर सुबह सुबह। अच्छा है, मौसम भी अच्छा है फिलहाल। हेलो भाई अभी फिर से रुक गए चाय पीने, इन भाइयों ने रिकॉल लिया। जय भोले जी। जय भोले जी। ये कौन सी जगह है? ये पटोलना का है, अथलूर। कौन सा टोलना? पानपुरी कन्नड़ के नजदीक। कन्नड़ की नजर, कन्नड़ से तो निकले आए, 2-4 किलोमीटर तो आगे हो गए हैं। 6 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर कन्नड़ से आगे हैं भाई, और आश्रम से लगभग 13-14 किलोमीटर आगे। 12-13 किलोमीटर आ चुके हैं भाई। अभी चाय पीने के लिए रुकवा लिया था, चाय पी के और फिर निकलेंगे आगे के लिए हर हर महादेव। यहाँ पे पिया भाई चाय। तो मैं पीछे से गर्मी में चलता आ रहा हूँ, अभी एकदम एंट्री होती, देखो पीछे सूखा और यहाँ पे बारिश आई हुई है, मतलब पहले आई होगी 5-10 मिनट पहले।
वो पहले सुना था कि भाई क्या पता एक साइड बारिश आ रही है एक साइड सूखा है, वो आज बिल्कुल लाइव देखा है, यहाँ बारिश पीछे बिल्कुल सूखा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई। आगे मौसम बारिश वाला लग रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो भाई चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, दूर तक शायद वो अरावली पर्वत की श्रृंखला होगी जो लंबी। रास्ते में हमें आई थी भाई, कन्नड़ से आगे निकल चुके हैं हम औरंगाबाद की तरह। जय भोलेनाथ भाई, मौसम अब अच्छा है। और ये देखो भाई दौलताबाद बैरुलेणी एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा जनता की गुफाएं सुनी हुई है ये, वो भाई एलोरा की गुफाएं है। यहाँ से मेरे को यहाँ से घूम के जाना है और आगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और एलोरा की गुफाएं भी हैं भाई। मेरे को यहाँ से ये हाईवे उस साइड जाना है भाई। घृणेश्वर के 3 महीने पहले मैं दर्शन करके गया था, बहुत अच्छा था भाई। सोनिया और जिगर हम दोनों थे, तीनों सॉरी, मतलब सोनिया भी थी और जिगर भी था। जय भोलेनाथ। ले भाई रोड के किनारे बैठ के खाने लग रहे हैं बिस्कुट। अरे ये देखो भाई नारियल लग रहे भाई, नारियल लग रहे हैं। हाँ महाराष्ट्र में पहुंच गए भाई। तो देखो अड़े का नज़ारा, ये अपनी मोटरसाइकिल खड़ी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई। और भाई मौसम बिगड़ गया है और अजय भाई कंटिन्यू चल रहा है, ये अपनी बाइक खड़ी है और ये होटल है भाई और महाराष्ट्र में पहुंच गए। जय भोलेनाथ भाई, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ भाई, जय भोलेनाथ। अपने अजय भाई खड़े हैं भाई और भाई और ने अपना गाड़ी बाइक देख कर गाड़ी रोक ली है और अभी भाई और जय महाकाल, हर हर महादेव। ले भाई अपन मिल गया डोन गांव, जितने ये होते हैं भाई डोन होते हैं उनका गांव है ये डोन, यहाँ पे सभी डोन रहते हैं तो गांव का नाम है डोन गांव। पहली बार देखा भाई मैंने डोन गांव। बारिश चल रही है भाई और ये डोन गांव औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पहले है भाई। ये व्यू, जय भोलेनाथ भाई। हर रोज ये बारिश वाली परीक्षा तो जरूर चलती है भाई, क्या पता इतनी धूप निकली हो गर्मी है कि आज तो बारिश आएगी नहीं क्यों, लेकिन पक्का हर रोज बिल्कुल फिक्स है कि एक बार बारिश आएगी। यहाँ के लोग जहाँ पे कहते हैं कि दो दो महीने बारिश को हो गए, लेकिन जहाँ से गंगा जल कावड़ जा रही है पक्का बारिश आ जाती है भाई। जय भोलेनाथ। लो भाई आज चलना बहुत मुश्किल है, पैर फिसल रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है भाई, गिर ना जाऊँ। फोन ये गोप्रो भी अब निकाला है पहले, स्लो 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 स्लो, ये पूरा रोड गिला है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है भाई, पैर रखते ही फिसला जा रहा है। देखो भाई ये झुग्गियाँ बना रखी है मेन हाईवे के पास और कितनी रंग बिरंगी झुग्गे के ऊपर चुन्नियाँ वो सुखा रखी है, जैसे रंग बिरंगी दिख रही हैं सब। गणपति बाबा का त्यौहार चल रहा है भाई यहाँ भी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव भाई। ये देखो औरंगाबाद शहर का हाईवे भाई, ज़बरदस्त हाईवे। अभी टोल आया था, टोल नाका क्रॉस किया है, सोलापुर आगे जाएगा, सोलापुर हमको सोलापुर है, लेकिन पहले हमको रुकने के जगह 700 मीटर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा भाई, उस साइड सुबह फिर वापस आना पड़ेगा। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सामने पुल है, वहाँ से जाएंगे नीचे से राइट साइड भाई।
जय भोलेनाथ की भाई लो अपना ठिकाना पे पहुंच गए। हाँ टाइम हो गया है 8:15 और सारे भगत दिलो मिलन खातर जय भोलेनाथ भाई। लो भाई सारे स्पेशल मिलन खातर आए हैं, फोन करने लग रहे थे भाई किन्ना पहुंच गए किन्ना पहुंच गए, तो ये मिलन खातर सारे भाई श्याम ना आए हैं भाई। और सब बढ़िया हाँ लो भाई देख लो, मतलब मैं और भी बढ़िया हो गया भाई इतने मिलन आए, वो घर वाली फीलिंग आई थी तेनों कई दिन हो गए घर क्या था बतलाए, तो सबने जय भोलेनाथ भाई। लो भाई आज शाम का हमारा खाने का दाल रोटी हर रोज की तरह वही सिंपल दाल रोटी, जय भोलेनाथ।